Welcome again to the channel of Sharp Careers. Dear students, आज हमने 11th के physics से topic चुना है kinematic equations for uniformly accelerated motion. और method जो है वो calculus method है. इससे पहले वाले जो lectures हमने आपको पढ़ाए हैं उन लेक्चर्स में हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया है ग्राफिकल मेथड से. अब इस वाले लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड यूज करेंगे और जो इक्वेशंस हैं अब हम फिर से लिखेंगे इक्वेशंस. सबसे पहले इक्वेशन जो है अगर आपको याद होगा दैट इज वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. ये इक्वेशन नंबर वन है जहाँ यहाँ अगर हम देखेंगे ये जो वी है ये फाइनल वेलोसिटी है बॉडी की, यू इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी जब वेलोसिटी बॉडी की चेंज हो जाती है यू से वी, और टाइम टी इज द टाइम टेकन फॉर द चेंज. अब इक्वेशन नंबर टू इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस. यहाँ पे एस जो है एस इज द डिस्टेंस कवर्ड ज्यूरिंग द जर्नी. अब इसके बाद इक्वेशन नंबर थ्री जो है दैट इज एस डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर. ये जो यहाँ पे एस है इट इज अगेन डिस्टेंस कवर्ड, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, ए एक्सेलरेशन और टी इज अगेन द टाइम. इक्वेशन नंबर फोर जो है दैट इज एस एंथ डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकेंड इज इक्वल फिर से लिखेंगे यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन. ये चार इक्वेशंस इनको हम काइनेमेटिक इक्वेशंस बोलते हैं और इन इक्वेशन से हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कैलकुलस मेथड में इक्वेशन नंबर वन को डिराइव करेंगे. कैलकुलस मेथड का मतलब है कि वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. याद रखिए अब यहाँ पर जो है हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. एक दिस इज इंपॉर्टेंट, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए. व्हाट इज दैट इक्वल टू? ए इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. एंड ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम इस मेथड में यूज करेंगे. और नंबर टू जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दिस इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स. डी बाय डी टी ऑफ एक्स का ये जो एक्स है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. वेलोसिटी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इन दो कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है. और इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी इंट्रोड्यूस करेंगे. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन को कैसे डिराइव करेंगे? इक्वेशन वन को डिराइव करने के लिए हम लिखेंगे वी हैव बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल डी बाय डी टी ऑफ वी. तो ये जो है दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और यू कैन राइट डी वी इज इक्वल ए डी टी. अब देखिए हमें इक्वेशन चाहिए वी माइनस यू इज इक्वल ए टी. तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे. तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन वी गेट, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी
बिटवीन द लिमिट. अब देखना यहाँ पे, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि वेलोसिटी जो वी, जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी ये कहाँ से चेंज होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी तक चेंज हो जाती है. दैट मीन दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द वेलोसिटी एंड दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द वेलोसिटी. इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टी. अब ए कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे टाइम को हम लिमिट देंगे, इनिशियल टाइम, स्टार्टिंग टाइम जीरो है और फाइनल टाइम स्मॉल टी है. अब इसके बाद हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा. अब इंटीग्रेशन, अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, यह हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन में इट इज वी ओनली, और ये जो है ए ये बाहर आएगा बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज अगेन टी. तो हम यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप वी बिटवीन द लिमिट यू वी इज इक्वल टू ए आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑपरेशन ए एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी बिटवीन द लिमिट इज जीरो टू टी. अब देखिए हमें अब इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि ये वी जो है ये अपर लिमिट है, ये ए जो है ये लोअर लिमिट है. वी को पहले हम वी वैल्यू देंगे और इस वी को फिर उसके बाद यू वैल्यू देना है. तो ये बनेगा इट इज बाई प्रोसीजर वी माइनस यू इज इक्वल सिमिलरली इट इज ए इंटू टी माइनस जीरो टी द अपर लिमिट जीरो द लोअर लिमिट. तो इसके बाद जब हम इसको फाइनल लिखेंगे इट इज वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. इसके बाद इक्वेशन नंबर टू को डिराइव करने के लिए अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर टू, हम फिर से लिखेंगे बाय डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ वी. That is instantaneous rate of change of velocity with respect to time is our instantaneous acceleration. तो हम यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इसमें change लाएंगे, वो क्या change है देखिए हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे into dx एक्स बाई डी टी. दैट मीन इट इज़ वन द सेम थिंग. ये हम कर सकते हैं फॉर द रिजल्ट. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे ये वाली टर्म इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर से हम वी पे आएंगे. तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू वी, पहले ये वाली टर्म लिखेंगे डी वी डिवाइड बाई डी एक्स. नेक्स्ट जो टर्म हम लिखेंगे इट इज वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स. अब देखिए अब इस ये जो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन जो हमारे पास है, अब इससे हम दूसरी इक्वेशन जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं. अब फिर से हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन तो रिजल्ट क्या आएगा, तो इट इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू वी बिटवीन द लिमिट इज यू एंड वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ एक्स अगेन इज कॉन्स्टेंट. तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम एज्यूम करेंगे इनिशियल जो पोजीशन है बॉडी की वो एक्स नॉट है और फाइनल पोजीशन जो है वो एक्स है, तो इट इज़ बिटवीन द लिमिट इज एक्स नॉट टू एक्स. तो इसका मतलब हमारे पास आएगा व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ वी, हमें फॉर्मूला याद है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आपको याद दिलाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा अब देखिए इट इज़ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. अब इसके लिमिट है यू वी इज इक्वल एक इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा और यहाँ पे फिर से इट इज़ एक्स बिटवीन द लिमिट्स एक्स नॉट टू एक्स. अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू है, इस वी वन बाई टू बाहर निकलेगा. वी को पहले वी अपर लिमिट देंगे वैल्यू, इसके बाद माइनस आएगा और उसके बाद इस वी को यू वैल्यू देंगे. तो इसका मतलब है हमें जो इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे जो टर्म मिलेगी इट इज़ वन बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे हम एक्स का वैल्यू देंगे, एक्स को पहले अपर लिमिट एक्स देंगे फिर उसके बाद माइनस लिखेंगे उसके बाद इस एक्स का वैल्यू देंगे एक्स नॉट. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी वन बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. अब गौर से देखिए ये जो हमारे पास वन बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है, ये अब हमारे पास इक्वेशन है. अब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट इक्वेशन मिली. अब ये जो एक्स माइनस एक्स ना याद रखिए दिस इज योर डिस्टेंस कवर्ड, क्योंकि इनिशियल पोजीशन बॉडी की एक्स नॉट है और इसकी फाइनल पोजीशन एक्स है. तो एक्स माइनस एक्स नॉट इज सिंपली द डिस्टेंस कवर्ड. तो हम
अगर सिंपलीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल, ये टू इधर आएगा, इट इज़ टू, फिर ए ए है, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, इसको हम एस लिख सकते हैं। तो दिस इज योअर इक्वेशन नंबर टू। इसके बाद इक्वेशन नंबर थ्री को ड्राइव करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन, फिर से लिखेंगे बाय डेफिनेशन वी इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ एक्स, वी इज इक्वल डी बाई डी टी ऑफ एक्स। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। अब हमारे पास इक्वेशन एक मिल गई, अब यहाँ से हमें एस चाहिए, एस इज इक्वल यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम सबसे पहले इस वी को रिप्लेस करेंगे, इस वी को हम इक्वेशन नंबर वन से यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी इज इक्वल यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल यू प्लस ए टी इंटू डी टी, और जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा इट इज़ डी एक्स, इसको सिपलेट कीजिए, इट इज़ यू डी टी प्लस ए टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। अब इस इक्वेशन को हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अबो इक्वेशन वी गेट, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बिटवीन द लिमिट इज, फिर से इसका लिमिट क्या होगा, इट इज इनिशियल पोजिशन एक्स नॉट टू द फाइनल पोजिशन एक्स इज इक्वल यू विथ रेस्पेक्ट टी, इट इज अगेन। अब देखिए टी यू इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए बेटे ये कॉन्स्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, तो हम किसको लिमिट देंगे, इट इज जीरो टू टी। इसके बाद देखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, टी यहाँ पे है विथ रेस्पेक्ट टी बिटवीन द लिमिट जीरो टू टी। तो इसके बाद अगर हम सिंपलीफाई करेंगे इट इज़ बाय डेफिनेशन, जब इंटीग्रेशन साइन ऑपरेट करेंगे इट इज़ एक्स बिटवीन द लिमिट एक्स नॉट टू एक्स इज इक्वल यू बाहर आएगा, इट इज़ टी बिटवीन द लिमिट जीरो टू टी, फिर प्लस ए बाहर आएगा, इट इज़ फिर से हम फॉर्मूला करेंगे यूज एक्स रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रेस्पेक्ट एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर बाई टू बिटवीन द लिमिट जीरो टू टी। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्स को अपर लिमिट देंगे एक्स, फिर इसके बाद एक्स का लोअर लिमिट देंगे इट इज़ एक्स नॉट इज इक्वल फिर यू आएगा, इसका अपर लिमिट टी माइनस जीरो, फिर इसके बाद ए बाई टू, ये प्लस लिखेंगे सॉरी प्लस लिखेंगे पहले, इसके बाद ये जो ए है ए ये टू बाहर आएगा इट इज़ ए बाई टू इंटू, फिर इसके बाद लिखेंगे दिस इज अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। तो जो फाइनल इक्वेशन होगी व्हाट इज दिस, हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया दैट दिस इज योर एस, एस इज इक्वल ये यू टी आएगा प्लस वन बाई टू, अब ये ए टी स्क्वायर आएगा। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखिए बेटा हमें अब लास्ट इक्वेशन चाहिए, व्हाट इज द लास्ट इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन इज एस एंथ इज इक्वल, तो लास्ट इक्वेशन एस एंथ इज इक्वल दैट मीन डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकंड इज इक्वल टू, अब कैसे डिराइव करेंगे, अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, हमें जो फाइनल रिजल्ट जो दो रिजल्ट आए और इक्वेशन नंबर जो फाइनल रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर थ्री जो आई इट इज़ बाय हमने यहाँ पे यूज़ किया डिफरेंशियल कैलकुलस, हमने यहाँ पे यूज़ किया डिफरेंशिएशन भी यूज़ किया और इंटीग्रेशन भी हमने यूज़ किया, तो हम इस फाइनल रिजल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस एंथ जो है एस एंथ इज इक्वल टू, अगर हम गौर से देखेंगे इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन द टोटल टाइम टी, अगर टोटल टाइम टी के बदले हम एन लिखेंगे एन सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम व्हेन द टाइम इज एन माइनस वन सेकेंड्स, तो इसका मतलब जब हम इस टाइम को हम माइनस करेंगे तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगा, दैट विल बी एस एन सिंपली। तो वट इज़ हियर अगर हम वैल्यू देंगे एस एन का, वट इज़ एस एन इज इक्वल बाई डेफिनेशन इज इक्वल इट इज़ यू टी के बदले क्या आएगा, इट इज़ एन माइनस प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर, इट इज़ यू टी, टी हमारा एन है प्लस वन बाई टू ए फिर टी स्क्वायर के बदले फिर से एन स्क्वायर है, उसके बाद एस एन माइनस वन जो है इट विल बी यू, अब एन के बदले क्या है टाइम के बदले टी के बदले क्या है एन माइनस वन आएगा प्लस वन बाई टू ए, अब फिर इसके बाद टाइम के बदले अब यहाँ पे टाइम कितना है इट इज़ एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये आपकी फर्स्ट है ये आपकी सेकेंड है, सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन वी गेट, अब गौर से देखिए एस एन आएगा एस एंथ इज इक्वल एस एन माइनस वन, तो वैल्यू देंगे सिंपली वैल्यू देंगे व्हाट इज एस एन, तो यहाँ पे इट इज़ यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस आएगा इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे लॉन्ग ब्रैकेट में इट इज़ यू इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू ए
एन माइनस वन होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एस एंथ जो निकलेगा इट इज़ यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस, जब हम इसको ओपन करेंगे यू इंटू एन इज़ यू एन, फिर माइनस यहाँ पे यू आएगा, फिर उसके बाद प्लस वन बाई टू, अब देखिए यहाँ पे इट इज़ ए, अब इस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर इट इज़ एन स्क्वायर, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर के बदले एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, इसको हमने ओपन किया है, तो इसके बाद जब हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे वन बाई टू ए एन स्क्वायर ये ऐसे आएगा माइनस ये यू एन माइनस यू, फिर उसके बाद प्लस वन बाई टू, अब ये ए एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस वन बाई टू ए आएगा, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, टू एन टू कैंसल, ये ए एन आएगा, ए इंटू एन इज एन, टू एन टू कैंसल, सो ए एन आएगा। इसके बाद अगर आप गौर से देखोगे इट इज़ एस एन इज इक्वल टू, अब ऑपरेट करेंगे इस माइनस को यू एन प्लस वन बाई टू ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस यू माइनस प्लस माइनस वन बाई टू ए एन स्क्वायर, फिर माइनस प्लस इज माइनस ए बाई टू, फिर माइनस माइनस इज प्लस ए एन। अब देखिए दिस यू एन प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसल आउट, वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस और माइनस इज कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विथ एस एंथ जो है इट इज़ इक्वल टू, देखिए आप देखिए कोर से देखिए इट इज़ यू, यही यू बच गया, फिर इसके बाद माइनस ए बाई टू, और इसमें हम कॉमन निकालेंगे ए बाई टू, तो हम इसको प्लस यहाँ पे लिखेंगे ए बाई टू, अब अंदर क्या बच गया इट इज़ टू एन माइनस वन, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर निकली। सो विद दिस वी एंड द डेरिवेशन ऑफ ऑल द फोर इक्वेशंस। थैंक यू।